आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट डिश छोले भटूरे, जो बहुत ही टेस्टी बनेंगी और हर भटूरे जो है आपके फूलेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपनी किचन की ओर और बनाते हैं क्रिस्पी टेस्टी छोले भटूरे। तो सबसे पहले छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा लेने के बाद 2 कप के हिसाब से आपको 50 ग्राम यानी आधा कप सूजी लेना है, और जितनी आपने सूजी ली है उतनी ही आपको दही भी ऐड करना है, और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी बेकिंग पाउडर यानी 3 से 4 पिंच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छी सी सॉफ्ट डो बना लेंगे। सूजी जो है वो पानी को सोक करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कड़ा डो ना बनाएं। आप सेमी सॉफ्ट रख सकते हैं उसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डो कैसे लगाया है। अब जब डो आप अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो ऊपर से 1 से 2 चम्मच आप इसमें ऑयल ऐड करके इसे अच्छी तरह चिकना कर देंगे और ढककर 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम बनाते हैं छोला, जो कि मैंने ओवरनाइट यानी रात भर सोक करके रखा था और सुबह नमक और हल्दी डालकर इसे 1 सीटी लगा दिया है। तो छोले बनाने के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने चॉप करके टोमेटो रखे हैं, थोड़ी सी जिंजर रखी है, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज कटिंग करके रखी है। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये लगभग 3 से 4 टेबल स्पून है। इसे गर्म कर लेंगे और सबसे पहले इसमें जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा क्रैकल हो बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ बे लीव्स ऐड किया है, तेजपत्ता, 2 तेजपत्ता मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा हींग ऐड किया है, इससे एक अच्छी टेस्ट आ जाती है। और बस इसे क्विक स्टर देंगे, उसके बाद इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे। तो यहाँ अनियन मैंने लगभग 2 से 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिसमें से 1 अनियन मैंने मसाले में पीस कर डाला है। और बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाकर और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनियन के कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट ऐड किया है और बस इसे भून लेंगे। जब ये आधा भून जाए तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे सूखे मसाले, जो पाउडर मसाले हैं। तो मैंने यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने तीखा लाल पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड किया है, और बस इसे आपस में मिक्स कर लें। चूँकि मैंने जो पहले ऐड किया था जिंजर गार्लिक और अनियन के पेस्ट, वो आधे भून चुके थे, क्योंकि मुझे पाउडर मसाले को थोड़ा सा ही भूनना है। अब बस इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर। और बस इसे आपस में चला लें। जब मसाले पूरी तरह से भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग छोले मसाले, जो रेडीमेड छोले मसाले आते हैं मार्केट के। तो यहाँ मैंने छोले मसाले लगभग 1 टेबलस्पून डाला है यानी कि 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है। और चूंकि छोले मसाले जो हैं रेडीमेड होते हैं, वो रोस्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा भूनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो लगभग मैंने इसे 30 सेकेंड ही यहाँ पर भूना है। आधे मिनट तक आपको भूनना है, उसके बाद टोमेटो ऐड कर देना है, क्योंकि मसालों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, अदरवाइज़ वो जल जाएंगे और उसकी अच्छी टेस्ट नहीं आएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लगभग 30 सेकेंड ही मसालों को भूना है, उसके बाद टोमेटो ऐड किए हैं। ये टमाटर लगभग 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और बस इसे थोड़ी देर ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मसाले मेरे रेडी हैं, और बस इस स्टेज पर हम स्प्लिट की हुई ग्रीन चिल्ली और जिंजर ऐड करेंगे, इससे एक बहुत अच्छी टेस्ट आती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस इसे आपस में मिक्स कर लेंगे, और मेक श्योर कि मैंने जो छोले
बॉईल किए हैं उसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ऐड किया है, कोई भी चाय पत्ती या अदर मसाले उसमें नहीं ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं इसकी एक बहुत अच्छी सी कलर आती है। पर्सनली मुझे छोले के वो काले कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी चाय पत्ती या अदर मसाले ऐड नहीं किए हैं इसको बॉईल करने के टाइम में। तो बस इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर देंगे और ढककर थोड़ी देर छोड़ देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट आप इसे ढककर रख दें और जब तक हमारा छोला रेडी होता है तब तक इधर भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रखे हैं, वो हाई फ्लेम में रखना है और यहाँ मैंने एक लोई रेडी रखी है। मेक श्योर कि लोई जो है आप बनाने टाइम उसे बहुत चिकनी बनाएं, ऐसा ना हो कि जब आप लोई बना रहे हो तो अंदर की तरफ से होल बना हुआ हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने भटूरे को बहुत ही पतला बेला है। तो ऑयल जो है वो मेरी गर्म हो गई है और ऑयल को आपको अच्छा गर्म करना है, यानी कि हॉट रखना है और गरम गरम तेल में बस आपको भटूरों को डाल देना है और इसे दबाते हुए पहले किनारों में दबाएं, उसके बाद आप बीच में दबा ले भटूरे ज़रूर फूलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किनारों पर पहले दबाया है उसके बाद मैंने बीच में दबाया है, इसे भटूरे अच्छी तरह से फूल जाते हैं। आप देखिए भटूरे बनकर रेडी हैं, अच्छी कलर भी आई है, फूले फूले भटूरे बने हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। ये मैं दूसरा भी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो पहले आप किनारों पर दबाव डालें और फिर उसके बाद बीच में आप इसको प्रेस करें, उससे भटूरे अच्छे फूल जाएंगे आपके। तो ये देखिए ये भी भटूरे अच्छी तरह से फूल गई हैं। और चलिए फटाफट आप रेडी हो जाइए प्लेटिंग करने के लिए। हमारे भटूरे भी बनकर रेडी हैं और छोले भी बनकर रेडी हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी कलर आई है, कितनी टेस्टी दिख रही है। बस थोड़े से अनियन, लेमन और ग्रीन चिल्ली के साथ आप इसे सर्व करें। आप चाहे तो इसके साथ अचार भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा छोले भटूरे जो है वो बनकर रेडी है और ये अंदर की तरफ से भी कितने जालीदार बनते हैं वो भी आप देखिए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।